नंबर दो, जब ये विचार मन में आ जाए कि मैं क्या कर सकता हूं, तो सबसे पहले अपनी फैमिली में, अपने घर में, वहां से शुरुआत करनी चाहिए कि मेरे घर में कितना वेस्ट होता है पानी, मैं जो भी कुछ वेस्ट हो रहा है उस वेस्टेज को रोक सकता हूं क्या, फर्स्ट। सेकंड, मैं कुछ पानी कंजर्व कर सकता हूं क्या अपने घर पे, अपने खेत में, अपने इंडस्ट्री में, अपनी दुकान में, जो भी कुछ तुम्हारे पास है उसमें कुछ कंजर्वेशन का कर सकता हूं। जब हम उसको हार्वेस्ट करके कंजर्वेशन का काम शुरू करेंगे, फिर आपको यह देखना है कि जो तुम रोजाना सुबह अपने लैट्रिन टॉयलेट में जाते हो ना, वो तुम्हारा टॉयलेट का पानी कहां जा रहा है, किस नदी में जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो ठीक से ट्रीट होके जा रहा है कि नहीं। ये जो रिवर और सीवर के सेपरेशन का सिद्धांत हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे पहले शुरू हुआ था। हिंदुस्तान ओनली कंट्री जहां रिवर और सीवर के सेपरेशन का सिद्धांत था, और इसको कुंभ में डिस्कस किया जाता था। कुंभ केवल होता इसलिए था कि नदियों की नीति बन सके और नदियों में गंदे नाले ना जाए, इसलिए हजारों हजार साल हमारी नदियों में गंदे नाले नहीं जाते थे। तो इस पर तुम्हारा चिंतन अपने टॉयलेट से शुरू हो कि मेरी टॉयलेट का पानी किस नदी में जाता है, और ये जिस नदी में जा रहा है क्या मैं इसको रिवर से अलग कर सकता हूं, क्या इस पानी को खेती, बागवानी, इंडस्ट्री, घरेलू रीयूज में कैसे लाया जा सकता है। फिर तुम्हारा दिमाग उस पर जैसे ही लगेगा तो तुम जो भी कुछ क्रिएट करोगे वो अच्छा होगा। मैं तुमसे इतना कह सकता हूं कि जब ये बात मन में आ जाती है ना, तो तुम्हारा मन इतना क्रिएटिव हो जाता है, और तुम्हारी क्रिएटिविटी, इनर क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाती है कि यार ये जो नदी के अंदर गंदा पानी जा रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, सरकार से कैसे रुकवा सकते हैं, हमारी कम्युनिटी कैसे रोक सकती है, हमारी कॉलोनी कैसे रोक सकती है। फिर वो आपका सेकंड इंपॉर्टेंट काम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट काम है, यदि तुम इसमें सक्सेस पा लो, तो क्या तुम कर्नाटक में आज से ही कर्नाटक सरकार को ये कहो, उससे पूछो कि भाई रिवर रिजुनेशन की कोई पॉलिसी हमारे स्टेट में बनी है क्या, और यदि नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है, इस स्टेट को रिवर चाहिए कि नहीं चाहिए, और रिवर के बिना हमारी हेल्थ और इकोनॉमी बचेगी क्या। जैसे ही हेल्थ, रिवर की हेल्थ खराब होती है वैसे ही हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो ये जो हेल्थ और इकोनॉमी का रिश्ता है हमारी रिवर के साथ, उसको लेकर एक अच्छी पॉलिसी बनाने की डिबेट तुम्हारी उम्र के लोग बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के कि हमें नदी चाहिए, हमें नाले नहीं चाहिए, और इन नालों को नदी बनाने की एक आंदोलन आपके एंटी करप्शन मूवमेंट से भी बड़ा मूवमेंट आप बंगलोर में खड़ा कर सकते हैं, और इसके अंदर यंग जनरेशन बहुत तेजी से आपके साथ आएगी। तो ये आपका चौथा काम हो सकता है। मैं समझता हूं ये चार काम कर लो, फिर पांचवें काम के लिए अगली बार मिलते हैं, फिर मिलकर बात करेंगे। आ गया और लोग उसमें चाहने लगे और ऐसी फसलें उगाएं, तो लोगों को साथ लेने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़े? ओह वंडरफुल वंडरफुल। क्या हुआ कि ये जो लड़के थे ना जवान, ये सब शहर में रहते थे, और पानी आने के साथ ये जवान लड़के वापस आए, और इन जवान लड़कों की शादी होने लगी। पहले तो शादी होती नहीं थी क्योंकि कोई लड़की नहीं देना चाहता था अपनी, पानी नहीं था तो कोई लड़की कैसे दे बिना पानी के गांव में। तो हमारे यहाँ लड़कों की शादी बहुत मुश्किल काम था, अभी तो हमारे यहाँ सब लड़कों की शादी होने लगी। तो ये जब शादी होने लगी तो ये जरा और बोर आ गए, इनको थोड़ा पानी वानी मिलाना तो दहेज भी आने लगा, तो थोड़ा इनके मन में जरा गलत चीजें भी आ जाती हैं जब ये सब आता है। तो इस गलत के साथ इन्होंने जबरदस्ती गन्ना बोना शुरू किया कि अब तुम गन्ना बोएंगे, हमारे पास पानी आ गया। मैंने बहुत समझाया पर ये माने ही नहीं। फिर क्या हुआ कि हम 5-6 बुड्ढों को लेके बैठे कि भाई क्या करें। तो इन बुड्ढों ने, इनकी जो औरतें आई थी हमारे यहां, उसको बिंदनी कहते हैं, वाइफ को बिंदनी कहते हैं, इन बिंदनियों के साथ बैठना शुरू किया। तो और इनको हमने क्या पढ़ाया, मैंने कहा देखो ये गन्ना बो रहा है, ये रात को जाके वहां उसकी रखवाली करता है कि उसमें साला सुअर आ जाता है, ये आ जाता है, तुम ऐसी फसल बो ना जो तुम्हारे पास सोए रात को, ये क्यों जाता है वहां, तो इसको कहो कि ये यहां रहे। तो इन औरतों ने, ये जो नई औरतें आई थी,
इन्होंने हमें बहुत मदद की। इन औरतों ने फिर अपने पतियों को कहा कि हम ऐसी कोई फसल नहीं बोएंगे जिसमें दिन भर तो उनको रखवाली करनी पड़ती थी। वो चने बोए जाते थे ना, चनों पर चिड़ियां बहुत आती थी, तो ये औरतें तो दिन भर चने की रखवाली करती थी और गन्ने की रखवाली इस रात को जाके इस आदमी को करनी पड़ती थी। तो ये फिर अलग अलग होने लगे। तो मैंने कहा जब तो ये शहर में रहता था अलग वहां गंदी मलिन बस्तियों में, अब गांव में हो गया तो अब ये रखवाल करने लगा। मैंने कहा इस लालच में क्यों फंस रहे हो सिंघल साहब? ये काम हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट काम था, क्योंकि इस काम के कारण हम लोग जरा बुरे बनने लगे थे कि देखो ये पानी के मालिक बन गए, अब ये पानी का कानून बनाने लगे। लेकिन सबसे पहले इस काम की शुरुआत हुई हमीरपुर गांव में, और हमीरपुर गांव में क्या हुआ कि जब ये नदी बहने लगी ना, तभी सरकार पहुंच गई वहां और सरकार ने मछलियों के ठेके दे दिए, कह रहे राजस्थान में पानी आ गया तो मछली पालेंगे। तो गांव के लोगों ने कहा अरे अब तक तो हम अपनों से लड़ रहे थे, अब ये सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। फिर इन्होंने सारे मछली के ठेके भी रद्द करवाए। तो ये इसके लिए विलेज लेवल पर शुरुआत हुई और फिर विलेज से लेकर रिवर बेसिन लेवल पर हुई, क्योंकि जो सरकार के साथ स्ट्रगल थी वो तो बेसिन लेवल की स्ट्रगल थी, और जो ये फसलों की स्ट्रगल थी वो कम्युनिटी के लेवल पर थी। तो जो फसलों वाली स्ट्रगल थी वो तो कम्युनिटी के लेवल पर रिजोल्व कर ली, और इसको रिजोल्व करने में हमें सबसे ज्यादा औरतों ने मदद की भाई। जबकि हमारी औरतें पर्दे में रहती हैं, मुंह ढकी रहती हैं, पर ये घर के अंदर उंगली पे नचाती हैं अपने बड़े बड़े लोगों को, ये बाहर तो मुंह ढक के ऐसे चलती हैं जैसे कुछ नहीं जानती, लेकिन चार दीवारी के अंदर इनका राज चलता है। तो इन्होंने सब समझा के हमारी बहुत मदद की। अपने माइनिंग के बारे में बोला, तो माइनिंग करनी है तो कैसी करनी चाहिए और वाटर का और उसका क्या संबंध? ये जो माइनिंग है ये जो माइनिंग है, ये माइनिंग जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है उसमें आपने वेन्स देखी होंगी, जैसे हमारी बॉडी में वेन होती है ना, ये नाड़ियां होती हैं, ऐसे ही धरती के अंदर नाड़ियां होती हैं। तो जब आप माइनिंग करने लगते हैं तो ये जो उसका वेन सिस्टम है एक्वीफर्स का, वो डिस्टर्ब होता है, वो टूटता है। टूटता है तो चारों तरफ का पानी फिर माइंस में आ जाता है, और फिर माइन ओनर उस पानी को डिस्चार्ज करके बाहर ऐसे फेंकने लगता है, उसका बहुत मिसयूज होता है। देखो यदि तुम्हें माइनिंग करनी है तो माइनिंग के लिए पूरा स्पेसिफिक ढंग से उस एरिया को जहां हमारे अंडरग्राउंड एक्वीफर डिस्टर्ब ना हो, पानी के सोर्स डिस्टर्ब ना हो, और जैसा मटेरियल तुम्हें चाहिए वैसा मटेरियल और भी जगह मिल जाता हो, तो वैसी जगह माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन माइनिंग में जो हमारे ओवरबर्डन्स हैं, ओवरबर्डन्स के कारण बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, उसके जो आसपास के एरिया है वो बहुत उससे बिगड़ जाते हैं, और जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए माइंस के मामले में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ी साइंस, थोड़ी समझ और थोड़ी संवेदना, ये चार चीज चाहिए। संवेदना धरती के साथ, समझ उसको एक्सक्रिएशन और उसकी जो एक्सप्लोइटेशन करते हैं रिसोर्स का, उसके लिए समझ चाहिए, और एक्सेप्शनल ऑल एट द सेम टाइम वी होप पूर्ण प्रमति किड्स वुड टेक एटलीस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ दिस एंड मेक राजेंद्र सिंह जी हिमसेल्फ प्राउड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद पूर्ण प्रमति। सो we request him for his continued guidance with Purnapramati kids in the long run. Thank you very much. A short announcement, Shri Rajendra Singh will be delivering a special lecture at Center for Public Policy, IIM Bangalore, tomorrow at 2:00 on the relationship between river, water, health and economy. Thank you. बस मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ। पूर्ण प्रमति जिस तरह से काम कर रही है वो काम मेरे दिल के बहुत पास है। Thank you all.